हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी मैटर होता है, जो एटम्स का बना हुआ होता है, वो मैटर तीन पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड या तो गैस, वो जो बना होता है वो बना होता है सबसे छोटे पार्टिकल से, और उसके सबसे छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। तो यहाँ पे ये जितने भी एटम्स दिख रहे हैं, ये एटम से कंबाइन होके वो एक मैटर बनाएगा, और उस मैटर को हमने तीन पार्ट्स में जो क्लासिफाई किया था, उनमें से हम तीसरा जो पार्ट है सॉलिड, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जो हम यहाँ पे अभी शुरू करने वाले हैं। तो ये जो लेसन हम लोग शुरू करने वाले हैं, इस लेसन को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव है जो ये लेसन ख़त्म होने के बाद हम लोग अचीव करेंगे। उनमें से सबसे पहला जो रहेगा वो ये पढ़ना पड़ेगा कि सॉलिड का मतलब होता क्या है, सॉलिड के किस प्रकार से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, और उस सॉलिड को हम लोग किस प्रकार से डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। तो उस वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। उसके बाद जो भी कोई सॉलिड होता है, वो सॉलिड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं XRD। साथ में हमको आगे ये पढ़ना पड़ेगा कि लैटिस और यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमको ये पता होना चाहिए कि लैटिस का मतलब क्या होता है और यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, और कितने डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। साथ में जो भी कोई सॉलिड रहेगा, उस सॉलिड के अंदर जितने भी एटम्स रहेंगे, वो एटम्स, टोटल एटम्स जो रहेंगे, वो टोटल अवेलेबल स्पेस में से कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट जो यूनिट सेल होते हैं, वो डिफरेंट यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है और ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड में भले ही पार्टिकल एक दूसरे के पास हो, लेकिन हर सॉलिड का डेंसिटी अलग अलग होता है। तो यह डेंसिटी पता करने के लिए हम डिफरेंट तरीके से फॉर्मूलेस को यहाँ डिराइव करेंगे। साथ में यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड का सिंपल मतलब होता है फ्री स्पेस। तो किसी जो भी हम सॉलिड पढ़ने वाले हैं, उस सॉलिड के अंदर कितना वॉइड स्पेस है, कितना फ्री स्पेस है, वो हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना रहेगा और वो किस प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी को शो करेगा। उसके बाद ये देखेंगे कि हर सॉलिड में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, उस डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि ये डिफेक्ट कितने डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो हम उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब हम जो सॉलिड पढ़ने वाले हैं वो किस प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। Hallelujah.